ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भोग सुखमय हो सकते हैं, दुखमय भी हो सकते हैं। जब श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि विषय बुद्धि नहीं होनी चाहिए अगर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है तो जो सुखमय सुखकर भोग हैं वो तो त्याज्य हैं ही, कि बाहर से खुशी आ रही है वस्तुओं से व्यक्तियों से। ये जो भ्रम है मन का, इससे तो छुटकारा पाना ही है, कहीं से कुछ नहीं आता। आत्मा का स्वरूप ही सुख है, परम पूर्णता परम आनंद है, ये एक बात है। दूसरी बात, जो दुखमय भोग हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि आपको कोई धोखा देता है जीवन में, आपने किसी के साथ बहुत अच्छाई की, बहुत हेल्प की, किसी को मानो भगवान की सेवा समझ के कह लो, या उदारता वश करुणा वश कह लो, आपने बहुत हेल्प किया। कोई बिल्कुल गटर में गिरा हुआ था, आपने हर तरह से कोशिश करके, कई बार रिस्क लेकर, अपना नुकसान करके आपने हाथ बढ़ाया, गटर से निकाला, और कुछ समय बाद जब वो व्यक्ति संभल जाता है तो कोई खास शुक्रगुजार नहीं होता। बाद में बहुतों को ऐसा लगने लग जाता है कि इसमें बात ही क्या थी, तो छोटी सी बात थी। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो शुक्राना नहीं मानते, अधिकतर मानते भी हैं थोड़ी देर के लिए, फिर भूल जाते हैं और फिर अपने स्वार्थ में खो जाते हैं। यही नहीं, ये भी मान लो कि अब वो व्यक्ति आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, आपके साथ झूठ बोल रहा है, आपके प्रति ही वो बैकबाइटिंग कर रहा है, जो भी कारण रहे हों, सच रहे हों या झूठ रहे हों, आपको ही धोखा भी दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। एक कोई जीवन में आए थे जिनको उनके पेरेंट्स इन लॉ ने बहुत बढ़िया एक 5-स्टार होटल में एक शोरूम लेके दिया, एक फॉरेन कंट्री में, सिंगापुर में, और उसमें वो इंडिया से सामान मंगाते थे, खासकर कश्मीर से, जो पेपर माशे का सामान होता है और बाकी बहुत सारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें। ये पहले काम सास ससुर का हुआ करता था, उन्होंने अपने दामाद को भी वो काम शुरू करवा दिया, पूरी हेल्प करी पैसे से, और कौन से वेंडर्स हैं, कैसे काम करना है, सारा कुछ समझाया।
अब ये दामाद ऐसा नालायक कि वो उन्हीं के अपने सास ससुर के कस्टमर्स को ही तोड़ने लग गया। शुक्रगुजारी की तो बात ही छोड़ो, कहीं कोई शुक्रगुजारी नहीं थी। ये अपनी बेटी के ये कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है करना ही चाहिए, ऐसा भाव था मन में। और फिर उनके ही क्लाइंट्स तोड़कर उनका ही बिजनेस बिगाड़ने भी लग गया। तब क्या किया जाए, एक साधक कैसे ले ऐसी परिस्थिति को? तो यहाँ साधक क्या करते हैं कि दुख का भोग करने लग जाते हैं, क्रोध का भोग करने लग जाते हैं, मन में इरिटेशन भी होती है, इरिटेशन का भोग करने लग जाते हैं, और इन सब बातों को वो ठीक ठहराते हैं। क्रोध करना, इरिटेशन करना, दुखी होना कि उसने ऐसा किया तो ये तो मैं दुखी नहीं होऊंगा तो और क्या करूंगा, या नाचूंगा क्या, ये भी भोग है, ये भी विषय बुद्धि से ही उपजा है। सोचो अगर कण कण में परमात्मा है, हर एक व्यक्ति में परमात्मा बैठे हैं, हर एक व्यक्ति के मन बुद्धि को शरीर इंद्रियों को कुटकट पुतली की तरह नचा रहे हैं, अगर ये बात पक्की तरह समझ आ जाए कि आपके इष्ट ही आपके दामाद की तरह आए हैं, आपके इष्ट ही ऐसा बिहेवियर उससे करवा रहे हैं, और ये बिहेवियर हितकर ही है, ये भी आपको समझ आ जाए तो आपका उसके प्रति कैसा व्यवहार होगा? क्या आप गुस्सा करेंगे? कोई आपके हित के लिए कुछ कर रहा है, आपको गुस्सा आएगा क्या? भगवान खुद बैठकर कोई बात करवा रहे हैं और आपको मालूम भी है कि मेरे फायदे की बात है। अब यहां फायदे की डेफिनेशन क्या है ये समझना पड़ेगा। एक बहुत साधारण सांसारिक बुद्धि से देखें तो धन आ गया तो फायदा, मान बढ़ाई हो गई तो फायदा, बढ़िया घर मिल गया तो फायदा, विषयों के साथ फायदा जुड़ा होता है, इंद्रियों के भोगों के साथ फायदा जुड़ा होता है। ये एक बहुत साधारण दृष्टि है, पर जिसकी अंतर्दृष्टि है, जो बाह्य दृष्टि छोड़ चुका है या पूरी तरह छोड़ना चाहता है, उसके लिए फायदा क्या है? उसके लिए उसका परम हित है कि उसकी मन की जो भ्रम है, ऐसी गलत बिलीफ्स हैं, जो तमस और रजस के प्रति घृणा है, वो सबको भी छोड़ना, द्वद्वातीत होना, त्रिगुणातीत होना, ताकि परमात्मा में आत्मा का विलय हो सके। जो ये अहंकार की, मेरेपन की दीवार है, जब तक वो नहीं घुलेगी ये मिलन हो नहीं सकता, योग बन नहीं सकता। तो वो कहानी आती है ना कि एक बहुत ही पुजारी ब्राह्मण था, भगवान को बहुत प्यार करता था, और उसका एक मित्र था जो एक बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा व्यापार चलाता था। पुजारी के पास एक ही गाय थी और वो भी बहुत
दुर्बल सी, वह थोड़ा सा दूध देती थी, किसी तरह उसका गुजारा चलता था उससे। और जो मित्र था वो बहुत अमीर था, तो भगवान ने उसकी गाय भी मार दी और मित्र को और पैसा दिया। तो पूछा गया, अभी ये क्या फल मिल रहा है भक्ति का? समझ यहाँ ये बात आती है कि भक्ति के लिए क्या हितकर है वो भगवान जानते हैं। ये बात पक्की है कि भक्तों के लिए मोटे रोटी कपड़े का कभी अभाव नहीं होगा, ये उनका प्रॉमिस है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तायनाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो योगक्षेमं वहाम्यहम् करते हैं, फिर आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। पर आपकी जो सबसे उत्तम ज़रूरत है, मन का शांत होना, मन की धारणाओं मान्यताओं का गिरना, भक्ति का और सुदृढ़ होना, ज्ञान विज्ञान में स्थिति होना, उसके रास्ते में अगर कोई रुकावटें आ रही हैं तो वो उनको अपने ही तरीके से हटाते हैं। तो वापस वो सिंगापुर वाले उदाहरण पे आते हैं कि भगवान ने क्यों किया, कि कहीं ना कहीं मन में अपेक्षाएं हैं कि रिश्तेदार तो ऐसे होने चाहिए, लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये चाहियों के साथ अटकाव है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अब भगवान उसको तोड़ना चाहते हैं, तो वो एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे ये चाहिए के साथ लगाव खत्म हो, उदासीनता आए। कई बार आप जानते भी नहीं हैं कि कौन कौन से चाहिए, शुड्स और शुड नॉट्स आपके मन में भरे पड़े हैं और किन किन धारणाओं के कारण वो भरे पड़े हैं। और अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहे, ठीक ठाक चलता रहे, तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि क्या क्या भरा हुआ है मन में। तो भगवान ये वेकअप कॉल्स देते हैं, आपको धोखे दिलवाते हैं ताकि आप जगो। थोड़ा दुख होगा, ठीक है, दुख होना ये एक प्रोसेस है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर, ये कहीं ना कहीं आ सकता है, इसको स्वीकार करो। पर अब इससे ऊपर चले जाओ। ऊपर कैसे? डांट कर नहीं, क्रोध करके नहीं, दुख करके नहीं, समता में रह के, अनासक्ति, अपनी ही अपेक्षाओं इच्छाओं के प्रति अनासक्ति, दूसरों के प्रति जो आशाएं बंधी हैं, खासकर अपने परिवार वालों के प्रति या मित्रों बंधुओं के प्रति, उन अपेक्षाओं को भी छोड़ना है। भगवान ये जगा रहे हैं हमको, ये बता रहे हैं हमको, उनको भी छोड़ना है, नहीं तो द्वंद्वातीत नहीं हो पाएंगे भाई। भगवान हम पर कृपा करें कि हमारी सारी आशाएं अपेक्षाएं हर तरह की छूट जाएं और हमें अपना परम हित केवल भगवत प्राप्ति में, केवल मन की परम शांति परम आनंद में ही दिखे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ही ओम तत्सत।